देखिए, हमारी माँ भारती की आज़ादी की लड़ाई में जब हमारे क्रांतिकारियों ने संघर्ष आरंभ किया, तब जब त्याग की बात आई तो उन्होंने त्याग की ऐसी परिभाषा दे दी कि जिसमें उन्होंने अपने प्राणों को भी निछावर कर दिया। पर उनके इस त्याग की भावना को हमारे आज़ाद भारत में इतिहास के रूप में आप देख रहे हैं कि आतंकवादी कह के संबोधित किया जा रहा है, जो एक बहुत निंदनीय बात है। इसी बात को लेते हुए जब ये विश्वविद्यालय किताब है, इसके रिगार्डिंग मैं आज वाइस चांसलर साहब से मिला था और उनके संज्ञान में मैंने ये सारी बात डाली है कि भाई हमारे जो विश्वविद्यालय में किताब पढ़ाई जा रही है उसमें इन महान शहीदों को आतंकवादी कहा जा रहा है, ना कि उनको देशभक्त या राष्ट्रभक्त कहा जाना चाहिए था। तो बहुत अच्छी बातचीत रही है, उन्होंने भी कहा है कि इस पर वो कार्रवाई करेंगे और मैं आज उनके संज्ञान में ये बात डाल के आया हूँ ताकि हमारे देश के बच्चों को सही इतिहास मिल सके और इनकी शहीदों की जो गरिमा है उसकी रक्षा की जा सके। हमारे यहाँ जो संगठन है शहीद भगत सिंह ब्रिगेड, जो काफ़ी समय से शहीदों के ऊपर काम कर रही है, अब हम बहुत जल्दी HRD मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी जी से मिलेंगे कि ये तो एक किताब है जो हमारे संज्ञान में है, ऐसा ना जाने कितनी किताबें होंगी और अलग अलग विश्वविद्यालयों में या और किसी लेखक की जो सरकारी मुद्रा से छापी जा रही है। तो हम उसी को अपील करने जाएंगे उनसे, स्मृति ईरानी जी से, कि भाई तुरंत प्रभाव से कमेटी बना के इन किताबों को या तो वापस बुलाया जाए और सही संशोधन करके इनका सही उल्लेख बच्चों के सामने लाया जाए ताकि भगत सिंह जी क्या थे वो बच्चों को समझ आ सके। दिस इज गोइंग ऑन फॉर द लास्ट क्वाइट सम टाइम एंड फॉर मी लाइक व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन माय ओन बुक ऑन भगत सिंह आई कॉन्शियसली यूज्ड द एक्सप्रेशन रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट एंड अवॉइडेड यूजिंग अटैक ऑफ टेररिज्म यू नो व्हिच हैज बीन यूज्ड क्वाइट ऑफन अर्लियर। नाउ problem today is when authors like Bipin Chandra wrote his book on freedom struggle, wrote on Bhagat Singh in 19 late 70s and early 80s, in those times terrorism was not such a bad word. No? It has acquired a different meaning today because it has acquired a meaning in the context of global terrorism. So in that context, if you bring in something like terrorism with the name of Bhagat Singh, obviously we feel alarmed by that, you know, we don't really like it. British used it for him, we as Indians didn't really react very negatively to it till few years ago. Now we just carried on with that expression. We could have avoided it, you know? there was no compulsion for us to carry on with what British used, but we didn't feel very offended by that because I can tell you that some Indians even took it very positively because I've heard people saying that Bhagat Singh was a terrorist for the British because he was able to terrorize such a big empire. No? So they converted it into an attribute, into a virtue.